सो गुड मॉर्निंग यूट्यूब, और कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और काफ़ी दिन से भी वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मैं कुछ अपग्रेड करने की सोच रहा था और उसी चक्कर में लगा हुआ था, बट कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा उसमें डिले हो गया। तो थोड़ा सा पहले का बता देता हूँ आपको, मैं कैमरा ऑर्डर किया हूँ नया DSLR, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, बट जब पैकेज में रिसीव करने गया कुरियर ऑफिस, तो वो पैकेट पूरी तरह से, जो ऊपर का बॉक्स था फ्लिपकार्ट का, पूरी तरह से डैमेज था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कुछ इमेज अटैच कर रहा हूँ और उसका सील भी किसी ने उसे खोलने की कोशिश की थी, जो फ्लिपकार्ट का जो टेप लगा होता है, तो मैंने फिर उसे डिक्लाइन कर दिया, मैंने वो रिसीव नहीं किया। और उसके बाद कुछ पर्सनल इशूज़ की वजह से मैं परचेज़ नहीं कर पाया। तो आज ही मैंने जस्ट लोटस से परचेज़ किया, जो इंस्टा पर मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे। बस चलिए आपको दिखाता हूँ कौन सा कैमरा मैंने लिया है। तो ये रहा मेरा न्यू कैनन 200D Mark II। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है, मैं पिछले एक साल से लेने की प्लान कर रहा था, बट मैं थोड़ा कंफ्यूज था, और अच्छा हुआ रुकने के बाद मैंने इसका वर्जन 2 लिया। लास्ट ईयर अगर लेता तो मार्क 2 आता, जिसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने आज ही परचेज़ किया है लोटस से, लोटस यहाँ जो ऑफलाइन स्टोर है बिलासपुर में। चलिए इससे अनबॉक्स करते हैं। वहाँ मैंने उसे अनबॉक्स करके देख लिया है कुछ फुटेज, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं वहाँ, वो खुशी आपको दिख रही होगी। ये डॉक्यूमेंट बिल है इसका, इसे साइड रखते हैं। बॉक्स में क्या क्या आया था, ये एक बुकलेट था, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बुकलेट आया था। और ये पढ़ते नहीं है लोग, बट मुझे लगता है इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आपको इसे पढ़ना चाहिए। अपने कैमरे के बारे में आप बहुत कुछ जानेंगे जो आपको नहीं पता है, तो अभी इसे साइड रख रहा हूँ मैं। उसके बाद ये एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप का आया था मेरे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप के लिए कैनन का। तो एक ये था, फिर ये कुछ वारंटी के लिए है, तो इसे रखते हैं। उसके बाद ये जो है, ये उसका लेंस, 18-55 mm लेंस है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं ये, तो इसे रखता हूँ मैं यहाँ पे। ये इसका चार्जर है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चार्जर है इसका, इसे साइड करते हैं अभी। उसके बाद ये चार्जर का जो केबल है, ये है वो, तो इसे भी मैं यहाँ पे रखता हूँ अभी। ये रहा बैटरी, कैनन ब्रांडिंग का, जैसे कि आप देख सकते हैं, और बैटरी बैकअप इसकी बहुत अच्छी है। और फाइनली ये रहा इसका बॉडी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैनन 200D। और इसमें ये स्ट्रैप साथ में आता है, तो ये मैंने वहीं पे अटैच करवा लिया था उनसे। और ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन इसका ऐसा है, मूव होता है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और इसके साथ एक मेमोरी कार्ड आया था, 16 GB का मेमोरी कार्ड है, वो मैंने इसमें लगा दिया है, मेमोरी कार्ड जो था। तो चलिए सबको साइड करते हैं और मेन कंटेंट जो आया इसके साथ वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रहा बैक, कैनन का एज यूजुअल, जो कि अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसे अपग्रेड करना चाहिए कैनन को। मुझे ज़्यादा कुछ शिकायत नहीं है इससे, बस एटलीस्ट इसमें यहाँ पे एक ऊपर से चैन होना चाहिए, जैसे नाइकॉन में मिलता है, यहाँ पे एक
चैन रहना चाहिए ताकि डस्ट वश अंदर ना जाए। तो इसे अभी साइड करते हैं। ये रहा बॉडी और ये मेमोरी कार्ड सैंड डिस्क मुझे मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे अपने नए DSLR को सेटअप करें। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कहीं पर उसका लिंक यहाँ पर डाल दूँगा। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं। ये रहा बैटरी, और बैटरी का जो एक कैप है इसे आप संभाल के रखिएगा। ये कैप जो आपको दिख रहा है इसे आप संभाल के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं बैटरी अटैच कर रहा हूँ। ये बैटरी अभी चार्ज नहीं था, इसे मुझे थोड़ा सा चार्ज कर लेना चाहिए था, बट मैंने चार्ज नहीं कर पाया आके घर पर। ये रहा बैटरी, और अब लेंस अटैच करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, पहले लेंस के कैप को आपको रिमूव कर लेना है, फिर इस कैप को आपको रिमूव करना है। इसे नीचे रखें, इसे नीचे रखें, और फिर सीधा इसमें इसे इस जगह से जो वाइट डॉट है उससे अटैच करके आपको एक क्लिक का साउंड आएगा, मतलब आपका लेंस इसमें प्रॉपरली अटैच हो चुका है। तो यही है कैमरा। तो ये कैमरा है और ये इसका स्क्रीन है। चलिए इसे ऑन करता हूँ मैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, चेंज द बैटरी पैक। तो बैटरी चार्ज नहीं है, थोड़ा सा बैटरी को चार्ज करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने अभी इसमें बैटरी लगाया है और इसे ऑन करते हैं। ये देखिए, ये सब सेटअप मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, अभी के लिए कुछ सैंपल आपको दिखा दूं। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टच स्क्रीन है। और ये पूरी तरह से मूव हो जाता है, तो जब आप वीडियो शूट करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है इससे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं अभी थोड़ा सा ठीक से समझा नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि अभी मुझे खुद सही से समझना है, और वो खुशी थोड़ा समझ रहा हूँ मैं आप लोग कुछ नया गैजेट खरीद पाना। और कुछ लोगों को ये लग रहा होगा मैं 1300D क्यों रहते हुए ये क्यों लिया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। फोटोग्राफी के लिए 1300D बेस्ट है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे वीडियोज़ शूट करने होते थे, और मैं चूँकि अकेले वन आदमी, एक आदमी शूट भी करता है, एडिट भी करता है, तो मेरे पास कोई हेल्प नहीं है जो बैठ के मुझे मैनुअल फोकस कर सके। इसलिए सिर्फ मैंने ये अपग्रेड किया है आपको, ताकि मैं अच्छा वीडियो दे सकूं। फ़ोटोज़ में इस कैमरे से भी वैसे ही खींचूंगा जैसे मैं 1300D से खींचता था। तो उस चीज़ के लिए आप डीमोटिवेट कभी मत होइएगा, अगर कोई नया गैजेट यूट्यूबर आपको दिखा रहा है तो उसकी ज़रूरत है, इसलिए उसने परचेज किया है। आप अपनी ज़रूरत को देखते हुए चीज़ों को परचेज करें। आज तक मैं 1300D ही यूज़ कर रहा था, बट अभी मजबूरी था इसलिए मुझे इसे परचेज करना पड़ा, ताकि मैं आपको एक बेहतर वीडियो दे सकूं। फ़ोटोज़ में कुछ बेहतर आपको दिखेगा क्योंकि इसमें टच स्क्रीन है, तो थोड़े एंगल कंपोज करने में बेहतर होंगे। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कोई सवाल क्वेरी हो तो आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइट सेफ एंड कीप क्लिकिंग।